नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनीष सॉल्यूशन। आप लोग देख रहे होंगे पिछले 10 दिनों से जो निफ्टी के अंदर कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम इधर बरकरार है, और जो बुलिश मोमेंटम है दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बरकरार रहेगा, क्योंकि यूएस फेड की तरफ से बहुत ही अच्छे अपडेट आए, साथ में 2024 के इलेक्शन तो आने ही वाले हैं। तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि हम यहां पर अपने जो इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है शुरू कर सकते हैं, और ऑलरेडी अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू है तो हम यहां पर उसको बढ़ा सकते हैं। आप लोगों को यह भी पता है कि जब निफ्टी इधर बढ़ता है, यानी मार्केट ओवरऑल अगर बढ़ती है, यहां पर जो फाइनेंस सेक्टर है, जो फाइनेंस रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा ग्रो करते हैं। तो हम यहां पर एक टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे थे कि भैया आने वाले समय में कौन सी कंपनी इधर अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो मुझे एक कंपनी काफी ज्यादा पसंद आई जो कि फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, उसका नाम है दोस्तों श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड। यहां कंपनी दोस्तों फाइनेंस सेक्टर से तो बिलोंग करती करती है, साथ में कंपनी की बड़ी मीडिया अपडेट भी आई है, वो इस वीडियो में इधर कवर करेंगे। यहां पर हम स्टॉक से रिलेटेड दोस्तों प्राइस एक्शन मूवमेंट, इसके टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस, और कंपनी किस फील्ड के अंदर है ना अपना दोस्तों जो बिजनेस है वो बढ़ा रही है, इधर हम बारीकी से क्लियर करेंगे। इसके लिए मैं लेकर चलता हूं दोस्तों अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और हर एक पॉइंट इधर बारीकी से क्लियर करते हैं। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या इसका एनालिसिस करने से पहले हम जो श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड है इसके दोस्तों जो बिजनेस प्रोफाइल देख लेते हैं। मैंने दोस्तों जो कंपनी है यहां पर जो फाइनेंस सेक्टर के अंदर इधर काम करती है कंपनी दोस्तों जो है ना मनी है, जो लैंड जो मनी है यानी जो पैसे हैं उसको दोस्तों लोन के रूप में उधार यहां पर देती है अगेंस्ट सिक्योरिटीज मूवेबल एंड इमोवेबल प्रॉपर्टीज, जो कि फाइनेंस सेक्टर जैसे हायरिंग परचेज जो लेजिंग है यहां पर कंपनी है ना। ओवरऑल बात करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर भी दोस्तों यहां पर जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का इधर काम करती है, तो ओवरऑल है ना फाइनेंस सेक्टर से श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड है ना इधर काम करती है। कंपनी की अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो यहां पर देखिए जो मार्केट कैप है वो 72 करोड़ से ज्यादा है, यहां पर करंट प्राइस 1.25 रुपए है। हाई कंपनी के स्टॉक ने 1 रुपए जो है ना 47 पैसा इधर बनाया था, लो इसका जो है ना 95 पैसा तक ये कंपनी यहां पर गई है। फेस वैल्यू दोस्तों स्टॉक की 2 रुपए है। सबसे पहले कंपनी अगर हम एनालिसिस करते हैं तो यहां पर कंपनी की बड़ी मीडिया अपडेट आई है जो इस वीडियो में हम आपके सामने कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए इधर है ना जो श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड है यहां पर जो है ना बीएससी को इधर इन्फॉर्म किया कंपनी यहां पर दोस्तों फंड रेज कर रही है, और दोस्तों अगर हम इसका एग्रीगेट जो अमाउंट है वो देखेंगे तो 50 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी दोस्तों जो फंड रेज है 1 और जो उससे ज्यादा जो ट्रेंचेज के अंदर फंड रेज कर सकती है। आपको पता है कि जो कंपनी है ना अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड रेज कर रही है, तो यहां पर जो ये कंपनी भी है सेम दोस्तों 50 करोड़ रुपए तक का जो अमाउंट है वो फंड रेज कर रही है। यहां पर एक ट्रेंच या एक से ज्यादा ट्रेंचेस के अंदर दोस्तों जो ये फंड रेज हो सकता है, और इसको जो अपने जो बिजनेस है आने वाले दोस्तों जो इनके बिजनेस रहेंगे उसको ग्रो करने के लिए और जो काम रहेंगे उनके अंदर जो कंपनी फंड रेज करने वाली है, और इसकी फाइनली दोस्तों अपडेट आ चुकी है। सबसे पहले अगर आप इसका एक चार्ट और देखते हैं तो यहां पर एक चीज हमें इधर दोस्तों देखने को मिलती है कि कंटिन्यू यहां पर है ना जो स्टॉक्स है ना काफी ज्यादा गिरने के बाद हमें एक फेयर वैल्यूएशन पे ये मिल रहा है। अगर हम इसके दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की इधर बात करते हैं तो यहां पर सेल्स ग्रोथ देखिए, कंपनी की मार्च 2020 की जो सेल्स ग्रोथ थी वो थी 4.16 करोड़, मार्च 22 की 2.30 करोड़, और जो मार्च 2023 की 2.75 जो करोड़ रुपए है। यहां पर जो टीटीएम है 6.28 करोड़ के आसपास आपको दिखाई दे जाएगा। इसके साथ अगर हम इसका देखते हैं दोस्तों कि आगे की अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर भी हम देखते हैं कि यहां पर जो एसेट्स है एसेट आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे जाएगा, कैश फ्लो है वो भी यहां पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। हम यहां पर दोस्तों मेन बात करते हैं कंपनी के स्टॉक की चार्ट की, क्योंकि चार्ट प्राइस एक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर यहां पर आप लोग देखेंगे दोस्तों कि अगर मैं स्टॉक की बात करता हूं यहां पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखते हैं यहां पर 1 सितंबर 2023 को स्टॉक ने एक हायर बनाया था 1.47 रुपए के आसपास, उसके बाद ये गिरना शुरू हुआ, और गिरते गिरते अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर है ना 7 दिसंबर को जो स्टॉक है अप्रोक्सीमेटली 1.05 रुपए के आसपास आ गया था। उसके बाद यहां पर जैसे दोस्तों आपको जो है ना कंटिन्यू है ना गिरता हुआ आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का इधर काम किया है कंपनी ने, अभी अच्छा भी परफॉर्म किया, तो यहां पर मुझे एक रिवर्सल दिखाई देता है, और वो रिवर्सल की अगर मैं बात करूं वो रिवर्सल मुझे स्ट्रॉन्ग इधर है ना बुलिश मूवमेंट नजर आता है कि इस तरह का जो कैंडलस्टिक चार्ट आने वाले समय में बन सकता है। क्योंकि यहां पर देखिए जो है ना दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग है जो है ना यहां पर जो ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहां से वॉल्यूम के अंदर आपको काफी ज्यादा इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों 15 दिसंबर की, तो 15 दिसंबर को आप लोग देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन कंपनी के स्टॉक के अंदर एक जो है ना स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आया। यहां पर है ना जो अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके एक्सचेंज से रिलेटेड यानी कि इसके अंदर ट्रेडिंग से रिलेटेड तो हाई वॉल्यूम इधर ट्रेड हुई है, और मुझे लगता है कि इस लेवल से जो स्टॉक्स है ना ऊपर उठकर यहां पर जो इसका पिछला हाई है उसको ब्रेक करके
एक जो है ना नेक्स्ट जो हाई है ना वो इधर बना सकता है जिस तरह से निफ्टी ने हाई बनाया। साथ में दोस्तों अगर आप देखोगे जो श्रेष्ठा फिनविश लिमिटेड में यहाँ पर है ना काफ़ी ज़्यादा है ना आपको जो वॉल्यूम है ना आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दे जाएगी। और साथ में अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि एक रुपये साठ पैसे के आसपास से जो है ना ये ज़्यादा है मेरे हिसाब से इधर जा सकता है और आने वाले समय में जो ये स्टॉक से मल्टीबैगर बन सकता है क्योंकि जिस तरह से निफ्टी के अंदर हमें स्ट्रोक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रही है जिस तरह से फाइनेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है और जहाँ पर अगर आप लोग देखोगे फाइनेंस सेक्टर के अंदर बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे ना कंटिन्यू इधर बढ़ता हुआ जाता तो फाइनेंस सेक्टर का आने वाले समय में फ्यूचर मुझे बहुत ही प्रोस्पेक्टिव और भैया सुनहरा नजर आता है। अगर हम दोस्तों श्रेष्ठा इन्वेस्ट लिमिटेड की अगर यहां पर देखते हैं कि जैसे कि मान चलिए अगर हम क्वार्टरली यहां पर परफॉर्मेंस देखते हैं तो क्वार्टरली देखिए जो उसकी सेल्स ग्रोथ थी यहां पर दिसंबर 2022 में 1.20 करोड़ थी तो यहां पर जून 2023 में 2.2 करोड़ रुपए इधर पहुंच गया। और देखिए इनका जो प्रॉफिट है यहां पर दोस्तों कुछ लॉस में था लेकिन वो है ना जून 2023 के अंदर आपको प्रॉफिट है ना इधर पॉजिटिव दिखाई देगा 0.44 जो है ना करोड़ रुपए का। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहां से मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और एक चीज और देख लीजिए दोस्तों जो स्टॉक है ना इसकी ट्रेडिंग 0.65 टाइम्स इस जो बुक वैल्यू है वो यहां पर ट्रेड कर रहा है और जिस तरह से दोस्तों 1985 से ये कंपनी काम कर रही है और अपना जो बिजनेस बढ़ा रही है और यहां पर आपको है ना भैया लोन की रिक्वायरमेंट किसको नहीं होती सबको होती है और यहां पर दोस्तों फाइनेंस सेक्टर ग्रो करने वाला है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बाई एसआईपी मोड में हम अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको श्रेष्ठा फिनविश लिमिटेड कंपनी के स्टॉक्स के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे जरूर बताएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे इस तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।